हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी छात्र बीए थर्ड ईयर में है, होम साइंस के सेकंड पेपर को लेके आए। होम साइंस के फर्स्ट पेपर को मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपको डिपेंड करता है, प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहां हम बात करने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन, और दोस्तों ये बीए थर्ड ईयर वालों के होम साइंस का सेकंड पेपर है, जिसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। तो ये पेपर का नाम हो जाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बीए बाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखो हम यहां आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में लगभग में जो क्वेश्चन होंगे वो वही 15 से 17 के बीच में क्वेश्चन है बेटा। इन क्वेश्चनों को याद करके आप अच्छी खासी 85% से प्लस ला सकते हो। 85% 90% 90% से 85-90% के बीच में होगा, मतलब यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके पास गैस पेपर नोट सीरीज जो भी है, आप जैसे तैयारी कर रही हो, ठीक है, आप उस पर टिक लगा लो, उस पर टिक लगा लो। ये क्वेश्चनों को, यही क्वेश्चन पढ़ना है आपको, अपने बेस से पढ़ सकते हो, या साथ हम अपनी वीडियो बना देंगे, उस वीडियो के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उन वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे कैसे याद करना है। एक बार में याद हो जाएगा, मतलब पहले वो क्वेश्चन करना पेपर में जो तुम्हें याद हो, उसके बाद में जो याद नहीं है, मतलब नहीं भी फंसता है कोई क्वेश्चन, मान लो जैसे तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ पढ़े और आपको नहीं फंसे, तो आपको जो भी फंसा लेकिन आपको याद नहीं है, मतलब आपको फंसा है लेकिन याद नहीं है, तो आप उसको बना बना के करके आएंगे, लेकिन आके करके जरूर आएंगे। मेरा मतलब यह है यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और मैं आपसे वादा कर सकता हूं, प्रॉमिस है कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है हमारा, सीधे कॉल करो बाई हैंड। ओके, कोई सुनिए, देखो यहां बात करने वाले क्या है। देखो यहां पहला क्वेश्चन है प्रसार, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे अपने नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो उस पर टिक लगा लो। पहला है प्रसार, ठीक है, पहला है प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मतलब कि प्रसार शिक्षा, मतलब जैसे एक्सट्रैक्शन एजुकेशन कहते किसे हैं ये बताओ मुझे, उसका हमारा उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास में कैसे विकास हुआ, ये बताओ प्रसार शिक्षा का, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ग्रह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषता, मतलब ग्रह विज्ञान है जो जीव होम साइंस है, ग्रह विज्ञान को होम साइंस कहते हैं, उनके प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या रही है, उसकी विधि वर्गीकरण के बारे में याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाओ अपनी बुक में नोट्स में गैस पेपर में। देखो पहला प्रसार शिक्षण में जो कह सकते हैं प्रदर्शन को क्या महत्व, मतलब ये बोला गया है जो प्रसार शिक्षण है उसमें जो प्रदर्शन किए जाते हैं उनकी उनके क्या क्या महत्व है, उनकी विधि कैसी होती है, वो किस प्रकार से किए जाते हैं, वो प्रकार को देखेंगे प्रसार शिक्षण के बारे में। ठीक है, प्रदर्शन करने के महत्व क्या है वो आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन की आवश्यकता उनके महत्व, मतलब कि परिवर्तन की आवश्यकता क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनके महत्व को देखेंगे। संचार की परिभाषा उनके महत्व, देखो संचार किसे कहते हैं उसका अर्थ बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप इस क्वेश्चन को याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो और रेडियो या एवं या और प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी, मतलब कि आपको रेडियो और प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, मतलब आपको एक निबंध छोटा सा वर्णन करना पड़ेगा, वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, भ्रमण और संवाद क्या होता है उनके महत्व के बारे में, संवाद को हम टाल कहते हैं, उनके महत्व के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण नेताओं, देखो नेताओं के गुणों का विस्तार किस प्रकार से होता है, ग्रामीण नेताओं के गुणों का विस्तार के बारे में देखेंगे, और प्रसार कार्य, देखो कार्यकर्ता भूमिका, प्रसार कार्यकर्ता भूमिका के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास योजना क्या है, सामुदायिक विकास योजना के बारे में, और पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ इसका, और सिद्धांत क्या है और उद्देश्य क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, 2022 में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप यही पढ़ो, बाकी कुछ मत देखो, एक भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है आपको बाहर से, यही पढ़ो बस, तो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म एवं टेलीविजन प्रसार शिक्षण क्या होता है, वो आप याद करेंगे कि फिल्म प्रसार शिक्षण किसे कहते हैं, टेलीविजन प्रसार शिक्षण किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछेगा। ये सारी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपको अपने हमारे चैनल बीए बाई पेपर हैकर और पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर, आप सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रम नियोजन क्या है, उसके अर्थ बताओ, उसकी परिभाषा के बारे में याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम क्या होता है, देखो ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम के बारे में देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार संचार दर्शन, देखो प्रसार दर्शन कह सकते हैं, प्रसार दर्शन, ठीक है, तो जो प्रसार दर्शन की मानवतावादी है और आशावादी जो प्रकृति है उसके बारे में हम याद करेंगे। ठीक है, आशावादी प्रकृति और
मानवतावादी प्रकृति के बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे, और किसके द्वारा, आपको प्रसार दर्शन के द्वारा, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ बोला गया प्रसार शिक्षा की निरपेक्षता के बारे में पढ़ लेंगे, प्रसार शिक्षा की निरपेक्षता क्या है उसका वर्णन करो, और प्रदर्शनी का क्या है, प्रदर्शनी के बारे में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक कार्य क्या होता है, सामूहिक कार्य के बारे में देखेंगे, और परिपत्र क्या है, इसके परिपत्र के बारे में पढ़ लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बस बेटा। लास्ट जो क्वेश्चन है संचार माध्यम क्या होता है, संचार माध्यम जिसे कहते हैं उस पर टिप्पणी लगाएं, संचार माध्यम की परिभाषा, संचार प्राप्तकर्ता क्या होता है उसकी परिभाषा, समाचार पत्र किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, यह सब शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि संचार के जो अरस्तु मॉडल पर टिप्पणी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, संचार के अरस्तु मॉडल पर टिप्पणी, ठीक है। फोटो यहाँ बोला गया है फोटोग्राफ के लाभ और हानि के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व, देखो यहाँ कह रहे हैं नेतृत्व के सिद्धांत और प्रकार के बारे में, नेतृत्व के सिद्धांत क्या है प्रकार क्या है ये पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में राष्ट्रीय प्रसार सेवा के बारे में, चीन में राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्या है, ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इतने ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे बाकी कुछ नहीं देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है इस यूपी पे, किसके, इस यूपी बिहार और उत्तराखंड, उत्तराखंड से कहते हैं, इन तीन स्टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन तीनों स्टेट से कहीं भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हो तो आप इन क्वेश्चनों को याद करो, बाकी कुछ मत देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।